आलम प्रधान की रुड़की में हत्या की गई थी, जिस संबंध में तीन अभियुक्तों नईम, सलमान और दिलशाद को रुड़की एसओजी और गंगनहर कोतवाली की पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उक्त घटना का अनावरण किया गया है। उक्त घटनाक्रम में इस पूरे घटना के सूत्रधार आबिद और आशिक, जिनकी की पारिवारिक रंजिश 2010 से ही चली आ रही है कमरे आलम प्रधान के साथ, उनके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई है। इस संबंध में एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा पुलिस टीम को 2,500 रुपये का नकद पुरस्कार और आईजी गढ़वाल रेंज महोदय के द्वारा 5,000 रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की गई है। कुल फिरौती 10 लाख रुपए की तय हुई थी, जिसमें से 1 लाख रुपए एडवांस दिए गए थे और 9 लाख रुपए बाद घटना के बाद देना तय हुआ था। उल्लेखनीय है कि इसमें से जो आबिद है उसको आशिक ने पहले से ही तय कर रखा था कि वो धर्मशाला में रहेगा और जैसे ही घटना हुई उसके 10 मिनट के अंदर उसके द्वारा धर्मशाला कोतवाली में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई और ये कहा गया कि रुड़की में हुई हत्या के सिलसिले में उसे फंसाया जा सकता है। उसने वहाँ वीडियो भी बनाई और इस पूरी घटना को अंजाम देने में सूत्रधार की भूमिका दिल्ली में बैठा हुआ आशिक निभा रहा था। उसने ही इस पूरी घटना का ताना बाना बुना और अंजाम देने के तरीके तय किए। उनका कहना यह है कि हमें अभी रकम प्राप्त होने की केवल